रोड, क्या नाम है आपका? ब्रजभान। अच्छा ब्रजभान जी, आपके भाई को पुलिस पकड़ ले गई है। मेरा भतीज है। भतीज है, क्या नाम था? ऋषिकेश। ऋषिकेश, तो क्यों पकड़ ले गई, क्या बताया पुलिस ने? वो कुछ नहीं बताया, कहे चलो थाने, तो हम सोचा कि गाड़ी ले गए, इसलिए बुलाया होगा, तो हम कहा वो नहीं बैठ रहा है, हम खुद कहा कि बैठ लो जाओ, जो पूछे बताओ। बस गाड़ी किसको दिया था उसने? वही ले गया था लड़का, क्या नाम? दिनेश। अच्छा, गाड़ी लेके गया। तो क्या लगता है कि 14 तारीख को कहाँ था? 4 बजे से लेके 8 बजे रात तक कहाँ था लड़का? कौन? ऋषिकेश जो है। दुकान पे। दुकान पे कहीं गया तो नहीं था ना? कैसे आपने बता सकते हैं गया, नहीं गया? जब यहाँ हम 24 घंटा रहे तो बता नहीं सके। जब जा था तो बतावा था कि चच्चू दुकान देखे रहे, हम जा रहे हैं। अच्छा। सौदा लेने या डीजल कहीं पेट्रोल। तो पुलिस तो पकड़ ले गई है। वो कह रही है कि वो अपराधी है, उसने कैसे कह रही पुलिस मर्डर किया, रेप किया, कैसे कह रही? हाँ, ये जमार में पूछ लियो, ये पूरी चमड़ी के अंदर पूछ लियो, कैसा लड़का है, यही सब पत्रकार है, इनसे पूछ लियो। और पत्रकार लेके यहाँ बैठा था आगरा का है। तो मर्डर नहीं किया उसने ना? ना। तो पुलिस क्यों पकड़ रही है, पुलिस क्यों कह रही है? गाड़ी चक्कर में गई। हाँ, गाड़ी जो मांगे ले, कहा कि गाड़ी तुम्हारी गई थी? कहा ले गया था बाबू, फिर बैठ लो। तो ये है, उसमें इन्वॉल्व नहीं था, मर्डर में नहीं इन्वॉल्व, रेप में इन्वॉल्व नहीं ना? क्या करेंगे आप लोग, कुछ करेंगे कि अपना किसी से शिकायत करेंगे, पुलिस वाले के पास जाएंगे कि गलत पकड़ा गया है? वो तो कहेंगे, कहेंगे हजार खान आदमी जरूरत पड़ गया साहब, हजार खान आदमी बटोर लीजिए। उसके बाद महतारी सब कहेंगे, और बताओ। अच्छा, हाँ, तो गलत पकड़ा पुलिस ने, और क्या। क्या नाम है आपका? राम लखन। दिनेश से आपका क्या संबंध है? हमारे के नातेदार हैं। अच्छा, बहू के भाई हैं। अच्छा, 14 तारीख को क्या हुआ था, कहाँ दिनेश आपके साथ में था कि नहीं था? हमारे साथ था, 11 बजे से 4 बजे तक हमें वहीं रहा, वहाँ से 4 बजे आए, 4:30 बजे यहीं पहुँचे आए, और पहुँचे के बाद पानी दाना पीस खाई पी ना था पानी की, 15 मिनट लिए घर का गया, फिर वही हमको 6 बजे फ़ोन कर दिया, फिर वापस आ गया 6 बजे, फिर वापस आ गया 6 बजे फ़ोन किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर चले गए खाना लेके, खाना वो खाई थी तो हम कहें खाना खा लियो, घर में बन भैया कोई रहा नहीं, मातारी रहा है, हमें साथ में रहें तो हमें खाना को बनाइए, चलो हमें साथ खाना हमें खा लियो, वहाँ भी यहाँ देर हो रही है, रात ज़्यादा हो जाए तो हम खाना लाइ जाए, दिक्कत हो जाए, चलो हाली खाना पहुँचा दें जाए, और तुम खा लियो, हम खाना खाए बहन है। अच्छा, आपके बहू के जो भाई हैं दिनेश, उनको पुलिस एक अपराध के केस में पकड़ ले गई है, और बता रही है कि उसने हत्या किया है, रेप किया है? नहीं, रेप नहीं किया है, ना हत्या किया है, वो आदमी सही रहा है और गलत वो फंसा जा रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि उसको उसने कबूला है कि हाँ मैंने किया है? हाँ, बतावत है, पेपर में दिखाई नहीं है, पढ़िया पढ़त हैं, हम ना पढ़े ना लिखे, तो हमसे पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम ये बताओ कई बजे गए और कई बजे हुआ हुआ, हम कहें बाबूजी साहब हम ना हम मोबाइल चला पाई ना हम घड़ी देख पाई, तो हम क्या टाइम तो हम बता बांध नहीं पाए हैं कि हम टाइम बांधे हैं ना, इतनी बड़ी बात, हम जब फोन मिलवाएं तो हमका टाइम मिला, हमको चलो खाना लेके चल दी, तो हम तो टाइम बांधे नहीं रहे। तो आपको लगता है कि पुलिस ने उसको फंसा रही है पुलिस की, सही कर रही है पुलिस? नहीं, सही नहीं कर रही है। हाँ, मौजूद हैं इस टाइम, तो इसके बारे में सर आपको क्या कहना है? देखिए, इससे ज़्यादा दर्दनाक जी और उत्पीड़क घटना कोई दूसरी हो नहीं सकती। जिनके पास में एक बिछुआ जमीन नहीं, बटाई खेत को बटाई पर ले रखा है, और उसमें लड़की काम करने जाती है, उसके साथ में दरिंदगी की जाती है, उसे जान से मार दिया जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ अपराध घटना नहीं हो सकती। सर आपको क्या लगता है कि इसमें दो लोगों का हाथ हो सकता है या अन्य और कोई लोग हो सकता है? मैंने उनके बाप से बात की जी। उनके बाप
डरी सहमी आवाज में कह रहे हैं कि दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, दो लोग इतना बड़ा कृत्य नहीं कर सकते। जी जी सर, पुलिस का मानना ये है कि हमने मेन अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और प्रशासन का अन्य लोगों का ये कहना है कि जो हंसिया लड़की धान काटने गई थी वो हंसिया अब तक बरामद क्यों नहीं हुआ। अब देखिए इस संदर्भ में ये तो जांच का विषय होगा जी, प्रशासन जांच कर रहा है जी, और मैं समझता हूँ कि हमारे जिले के अधिकारी जी, जी निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। वो अलग विषय है कि शुरुआती दौर में गुमराह हुए, पहले तो उन्होंने कहा लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है, बिना जांच के कहना नहीं चाहिए था, और उसके बाद पता चली कि लड़की अभिलेखों में जो उसका लिखा पढ़ी में आया वो 17 साल के आसपास की है। दूसरी चीज़ ये क्या है कि पहले तो एक ही अभियुक्त कहा गया, पहले कहा गया बलात्कार नहीं हुआ, बाद में पोस्टमार्टम के आधार पर जब सिद्ध हुआ पोस्ट बलात्कार हुआ तो प्रशासन ने भी स्वीकार किया, अब उसके बाद पास्को एक्ट लगा, तो निश्चित रूप से प्रशासन आज 4 दिन में 4 बातों पर घूम फिर करके आ रहा है। सर आपको क्या लग रहा है इस चीज़ का, प्रशासन उसमें कुछ छिपा रहा है? शुरुआती दौर में तो प्रशासन ने छिपाने का काम किया जी, लेकिन अब इस समय जब सारी स्थिति ओपन हो गई है तो प्रशासन चाह करके भी कुछ नहीं छिपा सकता। सर लड़की के माता पिता के घर पे जो आज 4 दिन से चूल्हा नहीं जला हुआ, उसके बारे में आपको क्या कहना है? लड़की के यहाँ पर मैं स्वयं में कोरोना पॉजिटिव था जी, कल निगेटिव होकर के मैं आया, और जैसे निगेटिव होकर आया मैं उनके घर आया, इस गाँव के 5 लड़के मेरे साथ रहते हैं 25 साल से जी, मैंने अपने साथियों को छोटे भाई जैसे देख लीजिए ना, ये रामसुचित हैं, शिवराज हैं, पुत्तीलाल हैं, ये सब लड़के हमारी पारजात के सदस्य हैं, और वो ये रामसुचित तो परिवार सहित वहीं आज 25 साल से रह रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि किसी भैंस लगती तो इनकी भैंस लगती है, कल से 1 लीटर दूध बच्चों के लिए देंगे और आज ही से उनके लिए भोजन बना करके अपने घर से लाएंगे। उनके सजातीय भी हैं और पारिवारिक संबंध भी है, इसी गाँव के रहने वाले हैं, तो आज के बाद से जब तक भोजन की व्यवस्था नहीं स्वयं में इनके पास हो जाती है, सरकार व्यवस्था नहीं कर देती है, तब तक ये भोजन देंगे, और अगर 2-4 दिन के अंदर हमने कहा राशन की व्यवस्था हम करा देंगे अपने पास से। ठीक, धन्यवाद सर। ठीक।